नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा से। यहाँ झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चलाकर मौत का व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से 8 साल के अरविंद की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अरविंद के पिता जितेंद्र ने कहा कि यह सब डॉक्टर के एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है। तभी से अरविंद की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और देर शाम उस नन्हे बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराकर बच्चे की बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। इंडिया खबर लाइव ने त्योंदा क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही को पहले भी उजागर किया था, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का अमला अभी तक नहीं जागा है। गलत इलाज से होने वाली मरीजों की मौतों के मामले लगातार सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे झोला छाप डॉक्टर्स के हौसले लगातार बुलंदी पर हैं, लेकिन इनके यहाँ जाने की फुर्सत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है। और इस तरह की अमानवीय घटना का फिर से होना हम सभी को भविष्य के लिए सचेत करती है। कुछ समय से इस क्षेत्र में बाहर से आकर बस रहे हैं झोला छाप डॉक्टर मौत का व्यापार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन झोला छाप डॉक्टरों पर डॉक्टरी की कोई डिग्री भी नहीं है। यह लोग किसी डॉक्टर की दुकान पर कई सालों तक कंपाउंडर के रूप में कार्य करते हैं और जब इन्हें अनुभव हो जाता है तो अपनी नई जगह तलाशते हैं और वहां दुकान स्थापित कर सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप के सहारे लोगों की मानवीयता के साथ अपना व्यापार फैलाते हैं, जिसके चलते यह सीधे साधे लोगों का उपचार करते हैं और अपनी जेब गर्म करते हैं। इसलिए आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी योग्यता को जांच लें। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ मोनू पटेल की रिपोर्ट। मामला तो यह है कि बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल में था, सिर्फ उसको बुखार आया हुआ था। और मेरा तो ये बोलना है कि पीएम मोदी से ही मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि झोला छाप डॉक्टरों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। बच्चा कोई ऐसा सीरियस नहीं था, जो इस पोजिशन तो पहुँचा और वो ख़त्म हो गया। पर मेरा ये सोचना है कि वो जो भी दवाई उसने दी है, मेरा जो अनुमान जो लग रहा है इंजेक्शन वो एक्सपायर डेट में था। फिर बच्चा 2 घंटे के अंदर में ख़त्म हो गया। कुछ भी नहीं था, बच्चा बहुत अच्छा खेलता गया था, लगता अच्छा खेलता वापस आया। लेकिन वो जो आप बच्चे के कौन हैं आप? मैं उसका मामा हूँ। बाहर था और वो कल मेरी दीदी अस्पताल लेके गई और उसके बाद 2 घंटे बाद इंजेक्शन लगाया और 2 घंटे बाद गोली मूली खिलाई, इसके बाद बच्चा ख़त्म हो गया। अच्छा, कौन डॉक्टर ने इलाज किया है वहाँ? यहाँ सर झूले छाप है मिट्टी। अच्छा, शिकायत भी हो गई, कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो सुबह 12:25 पर जितेंद्र अहिवार ने थाने में रिपोर्ट किए कि 4 तारीख शाम को डॉक्टर हैं मनोज चांदसी, उनके आप इलाज करवाने उनके पुत्र को ले गए थे 8 वर्षीय अरविंद को। जो इलाज के दौरान उसकी उनका कहना है, आरोप है कि इंजेक्शन लगाने से गोली देने से उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद बच्चे को उसकी माँ घर पर ले गई क्योंकि उसका पिता नहीं था। 5 तारीख को पिता के आने पर रिपोर्ट की गई है, उस पर थाने पर मर कायम कर उसका पिंजरावा बनाकर पीएम करवाया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें अपील कार्रवाई की।